क्या मैं जब एक कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आया हूँ तो क्या मुझे कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है? तो हमें उसमें क्लोज कांटेक्ट को डिफरेंशिएट करना है. सपोज आपके कोई क्रॉस करके गया तो आपको कोरोना इन्फेक्शन नहीं होगा. सो क्लोज कांटेक्ट होता है कि जो इंसान बिना मास्क पहने एक पॉजिटिव पेशेंट के पास 15 मिनट से ज़्यादा रहता है एंड उन दोनों के बीच का फासला 3 फीट से कम है. सो 3 फीट मोर देन 15 मिनट्स तभी हम उस पेशेंट को क्लोज कांटेक्ट में आते हैं. अदरवाइज हम उसको क्लोज कांटेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते. हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मनीषा, चेस्ट स्पेशलिस्ट, सर्वोदय हॉस्पिटल. आज आपसे बात करेंगे न्यू नॉर्मल के बारे में. कोरोना के साथ कैसे रहना है, बिकॉज कोरोना ये तो हमने अभी तक एक्सेप्ट कर लिया है कि कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है. अभी एक जो रिकमेंडेशन का पार्ट है वो ये है, जो 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है. 6 मिनट वॉक टेस्ट मतलब हम पेशेंट को एक नॉर्मल पेस पे 6 मिनट के लिए चलने के लिए देखते हैं और 6 मिनट में चलने के बाद उनके ऑक्सीजन लेवल्स को चेक करते रहते हैं. अगर 6 मिनट के बाद ऑक्सीजन लेवल्स का डिप 6 से 8% से ज़्यादा हो तो डेफिनेटली लंग इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई है, विच इज़ अ क्वाइट ऑथेंटिक टेस्ट. पल्स ऑक्सीमीटर है, विच इज़ अ सिंपल डिवाइस कि आपने अपनी फिंगर पे ऐसे लगाया और वो आपकी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल्स को मॉनिटर करेगा. सो अगर आपके ऑक्सीजन लेवल्स जो नॉर्मली 95 to 97% होते हैं, अगर वो 95 से नीचे आते हैं और डिक्रीजिंग ट्रेंड रहता है, लाइक 95, 94, 93 ऐसा रहता है, तो दैट्स एन अलार्म. तो अब आपको डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में आना है, डॉक्टर की एडवाइस लेनी है एंड फर्दर चेकअप्स के लिए जाना है. तो इससे पहले कि आपका नुकसान शुरू हो बॉडी में, निमोनिया बढ़ जाए, ये ऑक्सीजन लेवल्स एक इंडिकेटर है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन और आपको डॉक्टर की ज़रूरत है. आजकल हमारे पास काफ़ी मेडिसिन्स अब अवेलेबल हैं विच आर ऑल दो अंडर ट्रायल, जैसे कि HCQs हैं, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं. जैसे कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा फाइट में जाती है कोरोना से, तो हमारी बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन होती है. उस इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लाइक टोसैलिजुमैब अवेलेबल हैं, एंटी वायरल ड्रग्स लाइक रेमडेसिविर, फेबीफ्लू, ये अवेलेबल हैं. तो जो पेशेंट्स एल्डरली हैं, 60 साल से ऊपर के हैं और उनमें कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे उनमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी या ऐसी कुछ बीमारियां हैं, तो उनको हमें हॉस्पिटलाइज करना पहले ही स्टेज पर शुरू कर देना चाहिए. तो अगर आपने टेस्ट कराया और आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तब क्या करना है? क्या फिर से हमें उस चीज़ को लेके पैनिक करना है? अगर आपको हल्का गले में खराश है या बॉडी एक हो रहा है, मॉडरेट मतलब अगर आपको निमोनिया बन रहा है और आपके ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे हैं, सिवियर होता है अगर फेफड़े में दोनों तरफ निमोनिया है, ऑक्सीजन लेवल्स फॉल कर रहे हैं और सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से जो माइल्ड केसेस हैं, जिनको हल्का बॉडी एक या सोर थ्रोट है, उनको डॉक्टर्स होम क्वारंटीन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. अब ये होम क्वारंटीन क्या है, होम क्वारंटीन का पर्पज़ क्या है? होम क्वारंटीन का पर्पज़ एक तो ये है कि आप घर में एक कमरे में रहें, क्योंकि आपको हेल्थ केयर को बर्डन नहीं करना है. आज के टाइम में इतने सारे केसेस हैं, तो जो पेशेंट्स कंपैरेटिवली स्टेबल हैं वो होम क्वारंटीन में रहें, ताकि जो सिक पेशेंट्स हैं उनको जेन्युइन केयर मिल सके. तो आपको घर पर रहना है, लेकिन क्योंकि आप इन्फेक्शियस हो और फैमिली को भी इन्फेक्ट कर सकते हो, तो आपको घर में अपने आप को आइसोलेट करके रखना है, घर के बाकी मेंबर्स से आइसोलेशन में रहना है. उसको एक वेल वेंटिलेटेड रूम जिसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम हो और जहाँ पे पेशेंट अपने आप की टेक केयर कर सके, उसको वहीं पे लिमिटेड रहना है. बट दैट डजंट मीन कि उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती. इसीलिए होम क्वारंटाइन की भी कुछ गाइडलाइंस हैं, जिसमें डॉक्टर आपको एक प्रीफॉर्म मेडिकेशन आपको एडवाइज करते हैं, और दूसरी बात ये होती है कि आपको अपने वाइटल्स को मॉनिटर करना है. वाइटल्स मीन्स आपको सुबह शाम अपना टेम्परेचर चार्ट करना है, अपना ऑक्सीजन लेवल्स चेक करने हैं, जो कि एक पल्स ऑक्सीमीटर से होते हैं. क्या मैं जब एक कोरोना पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आया हूँ तो क्या मुझे कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है? तो हमें उसमें क्लोज कांटेक्ट को डिफरेंशिएट करना है. सपोज आपके कोई क्रॉस करके गए तो आपको कोरोना इन्फेक्शन नहीं होगा. सो क्लोज कांटेक्ट होता है कि जो इंसान बिना मास्क पहने एक पॉजिटिव पेशेंट के पास 15 मिनट से ज़्यादा रहता है एंड उन दोनों के बीच का फासला 3 फीट से कम है. सो 3 फीट मोर देन 15 मिनट्स तभी हम उस पेशेंट को क्लोज कांटेक्ट में आते हैं. अदरवाइज हम उसको क्लोज कांटेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते. अगर आप जैसे सपोज आज एक्सपोज हुए हैं, तो डे 5 से डे 10 वाला दिन होता है जिसमें अगर आप टेस्ट कराएंगे तो
टेस्ट की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी अच्छी होगी, मतलब अगर आपको इन्फेक्शन है तो उसका जांच में आने में 5 से 10 दिन का वक्त लगता है। अभी और सवाल जो एक बहुत कॉमन है कि जैसे कि हमारे पेशेंट्स डिस्चार्ज होते हैं तो एट द टाइम ऑफ द डिस्चार्ज वो चाहते हैं कि हमारा टेस्ट दोबारा किया जाए। उसका दो पर्पज़ है, एक तो इसलिए कि वो देखने के लिए कि क्या एक्चुअल वो नेगेटिव हो गए हैं, दूसरा अगर वो नेगेटिव हो गए हैं तो क्या वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ रह सकते हैं या अपनी क्वारंटीन वाले पीरियड को ब्रेक कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट भी कहती है गाइडलाइंस के हिसाब से भी कि अगर आप माइल्ड या मॉडरेट केस में आते हैं, माइल्ड या मॉडरेट मतलब अगर आपको आईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ी है, एआरडीएस में नहीं गए हैं, तो ऐसे पेशेंट्स का हम एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज टेस्ट नहीं करते हैं। द क्राइटेरियाज हैव चेंज, उसमें क्या है कि अगर आपको 10 दिन हो गए हैं आपके सिम्टम शुरू हुए को और पिछले 3 दिन से आपको फीवर नहीं आया, सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि 3 दिन लगातार आपको फीवर नहीं आया है एंड आपके 10 दिन सिम्टम ऑनसेट को हो गए हैं, तो हमें कोई भी टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना क्वारंटाइन पीरियड फिनिश कर सकते हैं और नॉर्मल अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी ऑन कर सकते हैं। क्योंकि ये देखा है कि नॉर्मली क्या है, 14 डेज पे हमने रिपीट टेस्ट कराया, रिपीट टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है, फिर एक दिमाग में और ये आना कि क्या मैं फिर से अभी तक पॉजिटिव हूँ, क्या मैं अभी इन्फेक्शियस हूँ, मैं औरों को इन्फेक्शन दे सकता हूँ, क्या बीमारी मेरे अंदर अभी भी चल रही है, तो ये सब क्वेरीज रहती हैं। तो हमें ये समझना है कि जब हम 14 दिन के बाद भी टेस्ट करते हैं तो बहुत लोगों का पॉजिटिव आता है, दैट डज नॉट मीन कि उनके अंदर इन्फेक्शन है। ये देखा गया है कि वो जो स्वैब में आता है वो वायरस है, दैट कैन बी डेड वायरस, वो वायरस हमारे अंदर रहता है बट जिंदा नहीं है, क्योंकि वो जिंदा नहीं है तो हमारी बॉडी को डैमेज नहीं कर रहा है और हम शेडर नहीं है, शेडर मतलब हम और लोगों को इन्फेक्शन नहीं दे सकते हैं, इसीलिए रिपीट टेस्टिंग अब एडवाइजेबल नहीं है। अगर आप हेल्दी फील कर रहे हैं और आपको 3 दिन में पिछले कोई भी तकलीफ नहीं हुई है, सो यू आर एज गुड एज अदर इंडिविजुअल्स। अनदर कॉमन क्वेश्चन इज, मुझे एक बार इन्फेक्शन हो गया, मैं ठीक हो गया, क्या मुझे दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है, क्या री इन्फेक्शन हो सकता है? तो अभी इन लास्ट 4 मंथ्स ये देखा गया है कि देर वर सम पेशेंट्स हु हैड टेस्टेड पॉजिटिव, मतलब उनका टेस्ट 8 हफ्ते के बाद भी पॉजिटिव आया, तो ये शुरू हुआ कि इनको दोबारा से इन्फेक्शन हुआ, लेकिन जब उसको हमने टेस्ट किया तो पता चला कि वो री इन्फेक्शन नहीं है, वो पहले वाले वायरस ही रह रहे हैं। सो अगर आपको एक बार इन्फेक्शन हो चुका है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी हैं एंड दे आर सिग्निफिकेंट इनफ कि वो बीमारी से या वायरस से लड़ सकती हैं, तो आपको री इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं हैं, ऑल्दो आप टेस्ट में पॉजिटिव आ सकते हैं। सो आरटीपीसीआर के बेसिस पे हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि इन्फेक्शन रह रहा है कि नहीं। सो अगर आप हेल्दी फील कर रहे हैं, आपको 28 दिन हो चुके हैं बिना किसी तकलीफ के, तो यू आर एक्चुअली ट्रीटेड एंड क्योर्ड। सिंस ये सारी कोरोना से जो फाइट है वो इम्यूनिटी की है, तो ये देखा गया है कि जो लोगों का इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, चाहे किडनी डिजीज़ की वजह से, चाहे कार्डियक हार्ट डिजीज़ की वजह से, चाहे डायबिटीज़ की वजह से, या जो लोग स्मोकर्स हैं, जो हैवी स्मोकर्स हैं या क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, उनमें डिजीज़ के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी नॉर्मल इंसान से कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, सो दे हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। सो अनदर कॉमन क्वेश्चन इज़ कि हमें कौन सा मास्क यूज़ करना है, क्या हर पेशेंट या कॉमन मैन को N95 की ज़रूरत है, या सिंपल क्लोथ मास्क सफाइस करते हैं? सो जो सिंपल क्लोथ मास्क हैं वो सिर्फ इन्फेक्शन वाला पेशेंट अगर पहनेगा तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने क्लोथ मास्क पहना है तो वो इन्फेक्शन को रोक नहीं सकता है। सो सर्जिकल मास्क शुड बी यूज्ड, अगर आपको इन्फेक्शन है या आप अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना चाहते हैं, तो 3-लेयर्ड सर्जिकल मास्क इज़ दी राइट ऑप्शन। जो N95 मास्क है वो सिर्फ उन डॉक्टर्स या हेल्थ केयर लोगों के लिए है जो एरोसॉल जनरेटिंग प्रोसीजर्स में होते हैं, जैसे कि ब्रोंकोस्कोपी, नेबुलाइजेशन, या जिसमें कोविड पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं, उस केसेस में हमें N95 की ज़रूरत है। अदरवाइज सर्जिकल मास्क विच इज़ अ डिस्पोजेबल मास्क, जो कि सिर्फ 6 से 8 घंटे तक यूज़ हो सकता है एंड रीवॉश नहीं हो सकता, वो वाला मास्क आप यूज़ करेंगे। अभी हम जैसे लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ जा रहे हैं, तो भी हमें पूरी सावधानी बरतनी है, बिकॉज अभी देखो नंबर अनलॉक होने के बाद से नंबर बढ़ना शुरू हो गया है। सो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्राउडेड प्लेसेस लाइक स्कूल्स, ऑफिसेज,
गेट टुगेदर, सोशल गैदरिंग, रिलीजियस प्लेसेस, जिम्स, जहाँ पे बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट रहता है वहाँ पे अनटिल एंड अनलेस वेरी इंपॉर्टेंट हमें वहाँ पर नहीं जाना है, बिकॉज वो साइट्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम ट्रांसमिशन या इन्फेक्शन रेट रहता है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आपके मोस्ट ऑफ दी कॉमन सवालों के जवाब मिल गए होंगे, बट आपको ध्यान रखना है, स्टे सेफ, वायरस आपके पास चल के नहीं आएगा, आपको ही सावधानी बरतनी है अगर आपको इस वायरस से जीतना है। ऐसी और वीडियोस के लिए डाउनलोड करिए 1MG ऐप और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स द्वारा बनाई गई ऑथेंटिक वीडियोस को फ्री में देखिए। इन वीडियोस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इन्हें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं।